ट्रेन जा रहा है, टॉय ट्रेन। सो आप लोग अभी ट्रेन में उठ गए हैं। ट्रेन अल्टीमेटली मिल गया है हम लोगों को। अभी सुबह दिखाऊंगा। सिलीगुड़ी उतरने के बाद हम लोग कैब लिए हैं। अभी हम लोग तो पहुंच गए घूम स्टेशन में। ये जो रास्ता निकल गया, ये आपका मिरिक की तरह निकल जाता है और ये पूरा जमा हुआ था एकदम, पूरा पास सभी थे। पीछे क्लॉक टावर है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये होटल लेना पड़ेगा। फ्रैंक क्रॉस मेडिसिन शॉप। পরে আসবো। ये आपका जो फेमस दार्जिलिंग का ग्लेनरी है, यहाँ पे फोटोशूट होता है और फोटोशूट हो रहा है अभी। यहाँ पे हुक लिखा हुआ है, हुक के सामने खड़े होकर सब फोटोज लेते हैं। बहुत उतार चढ़ाई करने के बाद होटल सनराइज। चलिए आपको दिखाता हूँ होटल का रूम कैसा है। एकदम बजट फ्रेंडली होटल है होटल सनराइज। बहुत सारे रूम्स है, तो हम लोग जो ये एकदम कॉर्नर वाला रूम लिए है। काट का वेल फर्निश्ड रूम है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग होटल में पहुंच गए थे होटल सनराइज में, जैसे आपको दिखाया। तो अभी हम लोगों का लंच चल रहा है, दाल डी मजा ना। बहुत ज़्यादा ठंड है तो हाथ पर सब जम जा रहा है। तो चलिए खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये आपका है टीवी टावर दार्जिलिंग का। देखिए कितना ब्यूटीफुल रास्ता है, पहाड़ का रास्ता है। हाँ, मैं सोचा था यहाँ से जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ से तो रास्ता है नहीं। नीचे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और भी नीचे चलेंगे।
जल्दी दौड़ो मत गिर जाओगी। अरे सीढ़ी छिलो देखा जिस छिलो सीढ़ी छिलो तो एक बात दिखे रान दिखे ये देखिए आपका दूर से दिख रहा है दार्जिलिंग सिटी पूरा। हम लोग दार्जिलिंग सिटी से बहुत दूर आ गए हैं पैदल चलते चलते। महल है वही जो महाकाल टेम्पल और सामने आपका दिख रहा है देखिए महाकाल टेम्पल एकदम ऊपर ट्री है वो है महाकाल टेम्पल। महाकाल टेम्पल है उधर ही लोग गाड़ी शेयर कर ले लिया था वही पहाड़ तक उसके ही पहाड़ जी पहाड़ी उठबो ओ दूर में देखिए छोटा दिख रहा है दार्जिलिंग दार्जिलिंग का पूरा शहर पहाड़ का रास्ता है। हाँ अभी शाम होने वाला है 3 बज रहा है तो मोटा मोटी ही जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा पहुँचने के बाद। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ बैठने का जगह पूरा एकदम बनाया हुआ है और ऊपर पूरा जंगल है एकदम पाइन फॉरेस्ट। फोटो तुल भी बता भाई ये हम लोग आ गए बुद्धिस्ट टेम्पल एंट्रेंस गेट है तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये हम लोग अल्टीमेटली पहुंच गए पीस पैगोडा जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल और ये दूर सादा जो दिख रहा है वही पीस पैगोडा है। तो ये आपका जापानीज टेम्पल और अभी हम लोग इंटर कर रहे पीस पैगोडा में भी आपका बुद्धिस्ट ही है। ऐसे व्यू ब्यूटीफुल है देखे गया जो तुम्हें ये और कोई आप आगे फोटो तो अभी हम लोग पीस पैगोडा में ऊपर में जाएंगे और क्लोज से आपको दिखाएंगे। जूता उतारेंगे अभी हम लोग ऊपर जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे आपका शूज नॉट अलाउड। यहाँ के पीस मिलता है पीस ऑफ माइंड इसलिए इसको पीस पैगोडा बोलते हैं। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है देखिए जिसका आवाज आ रहा है। तो यहाँ से और ऊपर जाने का सीढ़ी है और ऊपर उठेंगे हम लोग। तो ये देखिए हम लोग ऊपर में पहुंच गए और पीछे है हम लोग का दार्जिलिंग और ये बुद्ध देव जी का मंदिर है और बुद्ध देव जी का स्टैचू है। यहाँ पे बहुत मतलब डिज़ाइन किया हुआ है बुद्ध देव इस पीचिंग अपने डिसाइपल्स को पीचिंग कर रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पे मूर्ति है
और यहाँ दूर में है मॉनेस्ट्री। हाँ कौन उठता ऊपर कौन जाएगा। यहाँ पे भी बुद्धदेव जी का हाँ बुद्धदेव जी का मंदिर है प्राचीन सदराम नीरावन। यहाँ पे अपने बॉडी तैग करके चले गए वो जो स्टैचू है वहीं दिया हुआ है स्वर्ग में चले गए नीरवाना। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग स्टेशन टॉय स्टेशन में। तो आपको दिखाता नहीं एक पुराना एक कप का बोगी रखा हुआ है टॉय ट्रेन का। ये है दार्जिलिंग स्टेशन। Turn right onto National Highway 110. At Darjeeling Station, Darjeeling Toy Train Station है. Darjeeling Toy Train Station है ये. यहाँ से ट्रेन आप ले सकते हैं. 1200-1400 रुपए पड़ता है आपका डीजल और स्टीम इंजन रहता है. सब पटरी है ट्रेन का। এখনো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মাঝখানে আছে। तो अभी ट्रेन स्टेशन में मैं बैठा हूँ। पीछे मेरा पूरा पहाड़ दिख रहा है। सनसेट हो चुका है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एकदम जो आपका लाइट है वो चला जाएगा अंधेरा हो जाएगा। यहीं से आप टॉय ट्रेन ले सकते हैं जॉयराइड के लिए जो आपका जाता है घूम स्टेशन तक। नीचे जो घूम स्टेशन है वहाँ तक आपका जाता है। दो इंजन चलता है स्टीम इंजन और आपका डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का दाम थोड़ा कम है और स्टीम का थोड़ा ज़्यादा है। चलो सामने दिखे जाए ना सामने दिखे जाए। यहाँ पे एक इंजन रखा हुआ है एक कार शेड है ट्रेन शेड है। तो ट्रेन का जो इंजन रहता है स्टीम इंजन यहाँ से देखिए आपका रेडी है एकदम धुआं भी उड़ रहा है आप देख सकते हैं एकदम पूरा से ब्रिटिश टाइम का मॉडल का है कि ब्रिटिशों ने शुरू किया था आपका टॉय ट्रेन। जस्ट ऑसम ऑसम है ये जो मशीन है दिस इज अ बीस्ट। जब जाता है जो आवाज़ करता है दिल को छू लेता है धक 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 एकदम। के सामने है आप देख सकते हैं भरा हुआ है चौक बाजार का देखा ही नहीं करना बोल नीचे खोला।